व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी, और अर्धवार्षिक के साथ ही आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो हम 9वीं में पूरी 100% तैयारी करेंगे अर्धवार्षिक की भी और वार्षिक परीक्षा की भी। तो उसी में आज हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं अंग्रेजी के अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स। ठीक है, अपोजिट वर्ड इंग्लिश में ग्रामर में आते ही हैं, तो यहाँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपोजिट वर्ड दे रखे हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इनमें से ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा है यहाँ पे ट्रू, टी आर यू ई ट्रू, ट्रू का होगा फाल्स, एफ ए एल एस ई, ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब असत्य, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। तो इंग्लिश के साथ ही बाकी विषयों की तैयारी भी चैनल पर हो रही है, अर्धवार्षिक की भी और वार्षिक परीक्षा की भी। इसके बाद हम देखेंगे राइट, आर आई जी एस टी, राइट, राइट का होगा रॉन्ग, डब्ल्यू आर ओ एन जी, रॉन्ग, राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। इसके बाद अगला है हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी मतलब खुश, इसका अपोजिट हो जाएगा अनहैप्पी, यू एन एच ए डबल पी वाई, अनहैप्पी, या फिर हम लिख सकते सैड। ठीक है, दोनों में से एक ही लिखना, हैप्पी का सैड भी हो सकता है और हैप्पी का अनहैप्पी भी हो सकता है, दोनों ही राइट है। इसके बाद है आर आई सी एच, रिच मतलब अमीर, इसका अपोजिट हो जाएगा पी डबल ओ आर, पुअर मतलब गरीब। इसके बाद अगला है डिफिकल्ट, डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी, डिफिकल्ट मतलब कठिन, इसका अपोजिट होगा इजी, ई ए एस वाई, इजी मतलब सरल। अगला है सुपीरियर, एस यू पी ई आर आई ओ आर, सुपीरियर, इसका हो जाएगा इन्फीरियर, आई एन एफ ई आर आई ओ आर, इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब उत्कृष्ट और ये निकृष्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और इसका अपोजिट होगा नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर मतलब कभी नहीं। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इसका अपोजिट होगा वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक मतलब कमजोर। इसके बाद अगला है स्ट्रेंथ, एस टी आर ई एन जी टी एच, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, इसका विपरीत हो जाएगा वीकनेस, डब्ल्यू ई ए के एन ई डबल एस, वीकनेस मतलब कमजोरी। इसके बाद अगला है रिफ्यूज, आर ई एफ यू एस ई, रिफ्यूज, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना और यह अस्वीकार करना। इसके बाद अगला है फॉरगेट, एफ ओ आर जी ई टी, फॉरगेट का हो जाएगा भुलाना, और इसका अपोजिट होगा रिमेम्बर, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेम्बर मतलब याद। इसके बाद अगला है न्यू, एन ई डब्ल्यू, न्यू मीन्स नया, ये सबको पता ही है, इसका अपोजिट है ओ एल डी, ओल्ड मतलब पुराना। इसके बाद अगला है टी एच आई सी के, थिक मतलब मोटा, इसका अपोजिट है टी एच आई एन, थिन मतलब पतला। इसके बाद अगला है एन ओ आई एस ई, नॉइस आवाज, इसका अपोजिट होगा साइलेंस, एस आई एल ई एन सी ई, साइलेंस मीन्स शांति। इसके बाद अगला है सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, सक्सेस मतलब सफल, एफ ए आई एल यू आर ई, फेल्यूर मतलब असफल। इसके बाद अगला है डेड, डी ई ए डी, डेट मतलब मृत, ए एल आई वी ई, अलाइव मतलब जीवित, तो डेट का हो जाएगा अलाइव। इसके बाद अगला है सूनर, एस डब्लो एन ई आर, सूनर मतलब जल्दी, एल ए टी ई आर, लेटर मतलब बाद में। इसके बाद अगला है लेट, एल ए टी ई, लेट मतलब देर से, ई ए आर एल वाई, अर्ली मतलब जल्दी। तो ये जो अपोजिट है ये अधिकतर एग्जाम में आते हैं, हमें आना ही चाहिए और ये आपके अगली कक्षाओं में भी काम आएंगे। तो इसके बाद अगला देख लेंगे हम नियर, एन ई ए आर, नियर मतलब पास में, एफ ए आर फार मतलब दूर, तो नियर का हो जाएगा फार, अपोजिट। इसके बाद अगला है ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड का हो जाएगा न्यू या फिर यंग भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है लाइट, एल आई जी एस टी, लाइट मतलब प्रकाश, और डी ए आर के एन ई डबल एस, डार्कनेस मतलब अंधेरा, तो लाइट का हो जाएगा डार्कनेस। इसके बाद हम अगला देखेंगे, तो अगला यहाँ पर है, यहाँ पे सॉफ्ट, एस ओ एफ टी, एस ओ एफ टी, ठीक है, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट मतलब, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट मतलब कोमल, इसका अपोजिट हो जाएगा हार्ड,
कठोर। इसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेंगे। वन वर्ड में जिसके आंसर देने होते हैं वह, तो इसमें है ए पर्सन हु ट्रीट्स द सिक, सिक मीन्स बीमार, का इलाज करने वाला। एक पर्सन, एक व्यक्ति जो बीमारों का इलाज करता है उसे क्या कहेंगे, तो इसका आ जाएगा डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, जो लेटर देता है पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, तो वह होते हैं पोस्टमैन, पी ओ एस टी एम ए एन, पोस्टमैन। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु टीस, एक व्यक्ति जो सिखाते हैं, इसके बाद इसका हो जाएगा टीचर, ए पर्सन हु टीस टीचर, टी ई ए सी एच ई आर। अगला है ए पर्सन हु पासेस जजमेंट, एक व्यक्ति जो जजमेंट निर्णय देते हैं या न्याय करते हैं वो हो जाएंगे जज, जे यू डी जी ई, जज। इसके बाद अगला ए पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर पीपुल्स टीथ, एक व्यक्ति जिसका जॉब है लोगों के दांतों की देखभाल करना, तो उसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट, डी ई एन टी आई एस टी, डेंटिस्ट। इसके बाद हम अगला देखेंगे ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक, ए लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उसको कहते हैं हम नर्स, एन यू आर ए सी, नर्स। इसके बाद अगला ए पर्सन हु रिपेयर शूज, जो जूते सुधारते हैं उनको करते हैं कॉबलर, सी ओ डबल बी एल ई आर, कॉबलर। अगला है पर्सन हु मेक्स रिपेयर्स आर सेल्स आर्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बने हुए आभूषण को जो बनाते हैं या उसको सुधारते हैं बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गोल्ड स्मिथ, जी ओ एल डी एस एम आई टी एच, गोल्ड स्मिथ। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम आयरन आर स्टील, एक व्यक्ति जो स्टील या लोहे से सामान बनाते हैं उसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ, बी एल ए सी के एस एम आई टी एच, ब्लैक स्मिथ। ए पर्सन हु जॉब इज टू फिक्स टैप्स पाइप्स एंड टॉयलेट्स, तो जो नल और पाइप और सुधारते हैं उसको लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लम्बर, पी एल यू एम बी ई आर, प्लम्बर। तो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चंस थे। इसके पहले हमने अपोजिट वर्ड वाले क्वेश्चन भी देख लिए। तो इस प्रकार हम ग्रामर की पूरी तैयारी करने वाले हैं इंग्लिश की, जिससे कि आप इंग्लिश में 100% अच्छे अंक ला पाओ। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।